सोनपुर मेले में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत स्थानीय स्कूली बच्चों की रैली से हुई, जिसमें बच्चों ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मेले में आए पर्यटकों और आम लोगों को दी। ब्यूरो के अपर महानिदेशक एसके मालवीय और निदेशक विजय कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया। बाद में पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा सारण संसदीय क्षेत्र के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास विषय पर आयोजित फोटो प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया और केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में आए लोगों तथा बच्चों को संबोधित करते हुए श्री रूढ़ी ने कहा कि आने वाले वर्षों में सोनपुर केवल धार्मिक पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि अपने प्राकृतिक सौंदर्य और गांगेय डॉल्फिन के लिए भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्वराज दर्शन योजना के तहत आवंटित राशि का कुछ अंश सोनपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी खर्च किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये 100 दिन के कार्यकाल का यहाँ प्रदर्शनी लगा है। सोनपुर मेला सरकार के कार्यक्रम और सरकार के बाहर के कार्यक्रम, लोगों का पर्यटन, डॉल्फिन सोनपुर में दिखता है, इसे हम बड़े तौर पर मार्केट करेंगे और देश के लोग विदेश के लोग डॉल्फिन देखने सोनपुर पहुंचे, ये भी हमारा। इससे पूर्व ब्यूरो के अपर महानिदेशक श्री मालवीय ने कहा कि अन्य विषयों के अलावा हाल के दिनों में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए वो तमाम निर्णय जो देश के चहुमुखी विकास में सहायक साबित होंगे, इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को अवगत कराया जा रहा है। प्रदर्शनी लगाई है, फोटो प्रदर्शनी और डिजिटल प्रदर्शनी भी है, जिसमें कि हम जो प्रधानमंत्री भाई मोदी के नेतृत्व में जो दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ जो सरकार बनी और आते ही जो प्रथम 100 डेज में प्रथम 100 दिन में जो ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में परिचर्चा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैजिक शो तथा फिल्म शो और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रमों से यह उम्मीद की जा रही है कि लोगों को उनके हितों के लिए बनाई जा रही योजनाओं से अधिक लाभ मिल सके। दूरदर्शन समाचार के लिए सारण ब्यूरो।